तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है चंदन जंतवाल। तो दोस्तों एक नई दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं काकड़ी घाट स्वामी विवेकानंद तपोस्थली में, आपका स्वागत है। तो दोस्तों ले चलते हैं अंदर, तो आपको दिखाएंगे काकड़ी घाट का भव्य मंदिर। तो दोस्तों जो ये मंदिर है बहुत प्राचीन है, तो यहाँ पर मुझे कुछ विद्यार्थी मिल चुके हैं। तो ये सामने है गाँव नौगांव, तो नौगांव के बच्चे हैं, स्कूल से आ रहे होंगे। तो आज दोस्तों मंदिर में है कुछ तो जनेऊ कार्यक्रम था, कुछ लोग यहाँ पे जनेऊ कार्यक्रम भी होता है। तो शिव मंदिर है दोस्तों, ले चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये है पुराना गेट यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे चल रहा है भंडारे का कार्यक्रम भी, तो बाहर चूल्हे में ही खाना बनाते हैं कुछ लोग। और ये है कोसी रिवर, कोसी नदी, और यहाँ पे सामने आपको मिल जाएगा TRC रहने के लिए भी। और ये है कोसी नदी, और ये सामने दिख रहा है अल्मोड़ा वाला रूट दोस्तों, खैरना हल्द्वानी अल्मोड़ा वाला रूट। तो ले चलते हैं अंदर जहाँ विवेकानंद ने तपो एक रात रुके थे, तो वो पीपल का पेड़ भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे हमें मिल गए हैं पंडित जी, तो इनसे पूछ लेते हैं मंदिर जो प्राचीन काल में मंदिर है, तो इनसे पूछते हैं मंदिर के बारे में कि जो जो मनुष्य जिस भाव से सत्य भाव से और मतलब निष्ठा भाव से श्रद्धा भाव से भैरव बाबा जी को प्रण करता है, मानता है, भैरव बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। और आपके स्वामी विवेकानंद 1800 में जब 1890 में इतना अपन ध्यान नहीं है, तो कुछ जब वो श्रीलंका से पूरे अल्मोड़ा पूरा भ्रमण में थे, और उस समय यहाँ पर जंगल हुआ करता होगा ना, तो इसमें दुकानें करते हो सकता है। तो एक रात में यहाँ पर वो पीपल वृक्ष जहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है नीचे, वहाँ पर स्वामी जान वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो एक रात्रि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर अपना ध्यान लगाया, बैठे वो आसन लगाकर, तो उनको एक आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब उनको ये लगाओ कि ज्ञान प्राप्त हो, मतलब जो मनुष्य को होना चाहिए था वो उनको कहते हैं। तो इसलिए बड़ा हमारा पवित्र स्थल कर्पूरेश्वर महादेव बहुत पवित्र स्थल है, और स्वामी विवेकानंद ये तपोस्थली है, भैरव बाबा की असीम अनुकंपा है। और यहाँ पर जो मनुष्य श्रद्धा भाव से आस्था से जो आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय हो। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं काकड़ी घाट, तो प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों, और सामने है नंदी, और इस तरफ है भैरव देव का मंदिर। तो दिखाएंगे दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीपल का वृक्ष दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद 1890 ईस्वी में काकड़ी घाट स्थित, तो इसी स्थान पे एक रात्रि के लिए रुके थे, तो हिमालय भ्रमण में थे। ज्ञान वृक्ष काकड़ी घाट, तो आपको जो पेड़ दिख रहा है दोस्तों ये है पीपल का पेड़। तो यहीं पे विवेकानंद 1890 के ईस्वी में यहाँ पहुँचे थे काकड़ी घाट, एक रात के लिए यहाँ पे रुके थे दोस्तों, उसके बाद वो निकल गए थे अल्मोड़ा को। तो ये है पीपल का पेड़ दोस्तों। तो दोस्तों आप जाते हैं नीचे को, तो ये है कोसी नदी में जाने के लिए, तो यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, तो पावन स्थल है दोस्तों, इसकी बहुत मान्यता है। तो मैं आज पहुँचा था काकड़ी घाट, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी आपको। अरे बाप रे, इनको पकड़ू मैं? तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ काकड़ी घाट पे, तो दो नदियों का संगम है। तो दोस्तों इस तरफ है सरोता नदी और ये है कोसी नदी, तो कोसी नदी के तट पर है काकड़ी घाट शिव मंदिर प्राचीन काल में। तो यहाँ पे विवेकानंद 1890 में यहाँ पहुँचे थे, तो आज मैं भी पहुँच गया हूँ काकड़ी घाट में। तो आपको मैंने पूरा बताया काकड़ी घाट के बारे में, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ पाल रखी है बाबा जी ने, और मैं पकड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ उनको। तो ये है कोसी रिवर दोस्तों, तो इस तरफ है TRC, तो मेरे पीछे देख सकते हैं TRC। तो रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, सरकारी होटल भी मिल जाएंगे आपको रहने के लिए। और इस तरफ है काकड़ी घाट जहाँ स्वामी विवेकानंद 1890 में यहाँ पहुँचे थे दोस्तों। तो मैंने आपको पीपल का पेड़ भी दिखाया। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं विराम, फिर मिलते हैं
नई वीडियो के साथ। तो आपको मंदिर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बाय दोस्तों, जय देव हूँ, जय उत्तराखंड।